हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है ट्यूसडे और अभी है इवनिंग का टाइम, अ वेरी गुड इवनिंग। तो बस अभी मैं हमारे बेडरूम की ही क्लीनिंग कर रही थी। तो क्लीनिंग इन द सेंस मतलब जो कपड़े धुल के आते हैं, बस कपड़े को अभी जस्ट फोल्ड किया है और अभी उसको जगह पे रखना है। तो साथ में बेड कवर भी क्लीन कर लूँगी और कुछ क्लीनिंग का भी काम है तो वो सब अभी कर लूँगी, क्योंकि अभी टाइम है इस टाइम पे कर लेती हूँ। तो उसके बाद प्लान है आज थोड़ा सा फिर से बाहर जाने के लिए। अभी तो शाम हो चुकी है लेकिन मतलब यही टाइम है तो ठीक है। अभी मैं फटाफट क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आज हम जाएंगे एज़रा। तो कुछ सामान जैसे रह गया था उस दिन खरीदने के लिए तो बस उसी की शॉपिंग करनी है। I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. बस हो गए हैं अब रेडी शॉप जाने के लिए। टाइम तो हो गया है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, लेकिन इसके पहले ये वाला जो क्लीनिंग था वो मैं कर रही थी। कुछ कुछ सामान इधर उधर रखा हुआ था तो वो सेटिंग भी जरूरी था। जैसे पहले मतलब एथनिक वेयर जो था, जो पूजा के टाइम पे उस टाइम पे पहना, मतलब पहनना हुआ था स्पेशली रोहन और उसके पापा का, तो वो मैंने ऐसे ही कबर्ड पे रख दिया था अंदर जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स है उसके ऊपर, तो वो सारा भी सेट किया। तो कुछ कपड़े बैग में थे तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर था तो वो सब किया। तो कोई नहीं, ये जहाँ पे जा रहे हैं ये 24 आवर्स ओपन रहता है तो वो एक टेंशन फ्री है कि मतलब ओपन रहता है तो टेंशन नहीं है। तो बस अभी निकल जाएंगे और होपफुली जो जो चीज़ मतलब हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए मेनली हम जा रहे हैं वो मिल जाए। लास्ट दिन बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था उस दिन मॉर्निंग में जब निकले थे, इसलिए आज एकदम फुल प्रिकॉशन के साथ मैं निकली हूँ। स्पेशली सच में सर में अगर आप कैप पहन लो तो काफ़ी रिलीफ मिलती है। तो आज टेम्परेचर यहाँ पे 11 है, शायद उतना ठंड नहीं है, देखते हैं बाहर जाके ही पता चलेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है आज। उस दिन मॉर्निंग में जैसा लग रहा था उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम। और अभी जैसे यहाँ पे इस टाइम पे तो रोड एकदम खाली ही रहता है तो काफ़ी घर में क्रिसमस के लाइट्स लग चुके हैं, अच्छा लगता है। मतलब तो अच्छा लगता है ग्लास विंडो से या ग्लास डोर से, एकदम दूर से दिखाई देता है। तो ये है एज़रा का क्रिसमस ट्री।
दाल में मैंने मूंग और मसूर ये दो दाल लिया है। तो यहाँ पे दाल हो चुकी है बॉयल, तो इस स्टेज में मैंने ऐड किया है, मैंने थोड़ा सा पालक चॉप करके रखा था और ग्रीन पीस, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। तो फर्स्ट मैंने तड़का में दिया है एक सूखी लाल मिर्च, कुछ चॉप्ड अदरक और फिर 5 फोड़न, तो ये मैंने दिया है। उसके बाद कैरेट और बीन्स को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, फिर तो मैंने दाल ऐड कर दिया। और मसालों में मैंने दिया है हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। तब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा और पानी, फिर सॉल्ट चेक कर लेंगे, अगर जरूरत होगी तो थोड़ा सा ऐड करूंगी, और लास्ट में मैं दूंगी थोड़ा सा घी। Thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. Hello everyone, welcome back. तो आज है next day और अभी afternoon का time है, तो मैंने तो cooking already start कर दिया है। आज वही lunch ही बना रही थी मैं, तो दाल जस्ट बनाया है और अभी राइस बनाया है, तो आज बनाऊंगी फिश करी। तो बस अभी थोड़ा सा बालकनी में ही खड़ी थी ऐसे ही, तो ठंड आज थोड़ा सा तो कमी लग रहा है, लेकिन वेदर तो एज यूजुअल वैसा ही है, क्लाउडी सा एकदम। और आज तो मतलब एकदम मॉर्निंग से ही बिल्कुल अंधेरा सा ही होके रखा है, लग रहा है अभी कुछ ही देर बाद ही अंधेरा हो जाएगा। अभी तो वैसे भी मतलब 4 बजे से पहले ही अंधेरा हो जाता है ऐसा है, और मॉर्निंग भी होती है काफ़ी लेट, मतलब ऑलमोस्ट 8 बजे मॉर्निंग होती है, मतलब लाइट होता है बाहर। तो बस फिश करी बना लेती हूँ, उसके बाद किचन क्लीनिंग भी है। और कल जो मैं क्लीनिंग कर रही थी तो वहाँ पे भी थोड़ा सा काम रह गया है, वो आज मुझे कंप्लीट करना है। तो बस ठीक है, चलिए बाद में फिर से मिलूंगी। तो फिश मैंने फ्राई कर लिया है और मैं बना रही हूँ रोहू फिश। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और थोड़ा सा ऑयल ज्यादा ही है क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू और गोभी से, कॉलीफ्लावर से। तो यहाँ पे मैंने एक मसाला कूट के रखा है जिसमें है अदरक, जीरा, फिर इलायची, दालचीनी और एक ग्रीन चिली। तो थोड़ा सा इसको फ्राई करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो 2 छोटे साइज के टमाटर। अभी थोड़ा सा ढक के रख दूंगी। इसमें मैं अभी हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करूंगी, मसाला थोड़ा सा मिक्स हो जाए उसके बाद मैं आलू और गोभी को ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे आलू और गोभी मैंने दे दिया है और मसालों के साथ भी मिक्स कर दिया है। तो गोभी को मैंने कुछ देर गर्म पानी में रख दिया था और अभी मसाले मिक्स हो गए हैं, अभी मैं इसमें दे दूंगी गर्म पानी। तो यहाँ पे हो गया है, मैंने फिश भी ऐड कर दिया है, अभी मैं दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, ग्रीन चिली और कोरिएंडर, मैंने दाल में भी कोरिएंडर दिया था। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, फिश करी एकदम रेडी और यहाँ पे है दाल। I get so caught up in the mirror, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide, what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes. And you can tell me all of your lies. I will put out all if it gets too dark. बस हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, स्पेशली रोहन के बर्थडे के लिए ही है, तो बर्थडे तो एकदम नजदीक आ गई है और 2 दिन ही बाकी है, तो मैंने सोच के रखा था ऐसा कुछ बनाऊंगी, तो देखते हैं अगर सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुली अगर सब कुछ होता है तो मैं दिखाऊंगी जरूर। तो बस यही है और कुछ हुआ है अभी और कुछ बाकी है, वो अभी करना है।
और जिस चीज के लिए बाहर गए थे, मतलब जो सामान नहीं मिला था स्पेशली उसके लिए ही गए थे, तो वो भी एकदम अच्छे से सब कुछ मिल गया है। मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको होती है जब आपके मन, मतलब आप जो चाहते हो उस हिसाब से आपको मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है सच में। तो ये मेनली जो रिटर्न गिफ्ट्स है वही है, तो वो सब कुछ हो गया है कंप्लीट, और तो बस यही है। और बाकी तो तैयारी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो ही गई है, बस फाइनली सब कुछ अच्छे से हो जाए, यही है। तो ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग यह पेन करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ मिलूंगी जल्दी। आप सब अपना अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना एकदम। तो ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। I get so caught up in the mirror, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling.